Subscribe my channel and press the bell icon for getting latest videos. Subscribe कर दो मेरे चैनल उते दबो बेल दी घंटी लेटेस्ट वीडियो ली। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैसी फर्गुसन सिंपल दो वेरिएंट आते थे, एक में 2500 सीसी इंजन था, एक में 25 सीसी था। जो 2500 सीसी था वो 50 एचपी वाला था और जो 25 सीसी वाला था वो 46 एचपी था। जो स्मार्ट स्विस आया वो 25 सीसी वाले इंजन में आया 46 एचपी में। अब ये नहीं बता सकते कि 50 एचपी वाला कब आएगा, पर अभी 46 एचपी वाला ही वेरिएंट अवेलेबल है मार्केट में। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैसी फर्ग्यूसन स्मार्ट सीरीज 245 प्रिंटर प्लस, इसमें स्मार्ट की दी है काफ़ी, उसके फ़ायदे हैं उसका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा उसके फ़ायदा है। स्टार्ट करते हैं बैक टायर से। जो उसके बैक टायर्स हैं वो 13/6/28 के हैं, अपोलो के कृषक गोल्ड के हैं। जो कृषक प्रीमियर के थे वो टायर सही थे, ये टायर बढ़िया हैं, उनका पेट बाहर निकला, ये बिल्कुल बराबर टायर हैं। और जो फ्रंट टायर हैं उसके वो हैं 6/16 के, जो इस एचपी कैटेगरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब इतने टायर आते हैं, पर आप अपनी मर्जी से डलवा सकते हैं, एजेंसी से परेड नहीं है। बात करते हैं इसके पंप की। जो पंप की बात करना चाहता हूँ आपसे, है तो ये 3 सिलेंडर इंजन और इंजन भी ये 247 वाला है 42 एचपी, इसको 46 एचपी किया हुआ है। अब ये आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में इसको 46 एचपी कैसे किया हुआ है, जो उसके पंप से कैसे चेंज करते हैं। सेंसर की साउंड तो बहुत बढ़िया थी, मैंने इसकी चेक की थी, अगर आपको नहीं पसंद तो आप चेंज कर सकते हैं, बाहर से करवा सकते हैं चेंज, क्योंकि काफ़ी सेंसर अवेलेबल है मैसी के आजकल मार्केट में। बात करते हैं इसकी पीटीओ की, इसमें दो लीवर दिए हैं, एक में एंगेज है न्यूट्रल और दूसरे में एमएस पीटीओ जीएस पीटीओ लाइव पीटीओ। लाइव पीटीओ का तो आपको पता ही है, उसमें 540 चक्कर दिए हैं 1680 आरपीएम में। और जो एम एस पी टी ओ जी एस पी टी ओ है इसकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा, कौन से गियर में कितने चक्कर हैं, इसके फ़ायदे और घाटे क्या हैं और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और हर गियर में कितने चक्कर है ये भी बताऊंगा। इसका फ़ायदा कि आप उसको खड़े में भी गियर में चला सकते हैं और चलते समय भी गियर में चला सकते हैं, हाई लो भी यूज़ कर सकते हैं आप, उसके रिवर्स गियर भी डाल सकते हैं उसमें। और मैं बात कर रहा था कि मैसी कंपनी ने ब्रीजर भी दे दिया है लिफ्ट कवर के ऊपर, जिससे जो गैस अंदर बनती है सील लीकेज वगैरह होती है सारी इससे होता है। ब्रीदर से क्या होता है, वो गैस निकल जाती है, हवा होगा सब निकल जाएगी। काफ़ी बढ़िया दिया मैसी ने, सारी इम्प्रूवमेंट कर रही है धीरे धीरे, अपनी कमियां दूर कर रही है, कुछ भी कर सकती कंपनी यार मैसी है। और हैंड ब्रेक भी इसकी क्लासिक दी है, जो पहले यही सब प्रिंट में सब यही आती थी, यही फेंडर में यही हैंड ब्रेक आती थी। अब आ जाओ जी इसके लिफ्ट लॉक में, ये कंपनी ने लिफ्ट लॉक दिया है, ये पहले देती नहीं थी कंपनी, लोग अलग से डरवाते थे। इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, और ये हर कोई लगा सकता है। और इसके साथ उन्होंने डंपर ट्राली उठाने के लिए भी दिया है, उधर की तरफ घुमाएंगे तो तेल की सप्लाई डंपर की तरफ ट्राली कर देगा, इधर को घुमाओगे तो जो तेल की सप्लाई है वो लिफ्ट का जो लीवर है उसमें यूज़ होगी। काफ़ी बढ़िया जुगाड़ दिया है मैसी ने, अब यार धीरे धीरे मैसी कर रहा है, पता ही पहले क्यों नहीं देती, कस्टमर बता रहे हैं अब क्या क्या कमियाँ हैं। आज जो सीट से लोग बड़े परेशान थे कि मैसी की सीट नहीं है, अब देखो एडजस्टमेंट कर दी और बढ़िया कर दी, आगे पीछे कर सकते हैं, पहले तो आगे पीछे नहीं कर सकते, उसकी सीट बड़ी जल्दी ख़राब होती थी। और क्लच देख लो, सस्पेंडर दिए सिंपल दिए हैं, उनको कंपनी को पता है एचपी के हिसाब से सही है, क्योंकि कम मैच में सस्पेंडर या पेडल कम ही आदमी यूज़ करते हैं, कुछ भी कर सकती कंपनी यार। ऊपर आ जाओ जी, तो नीचे वो पैर को लगती शो वो भी लगती है, अब नीचे वो दिखा दी है पूरी। स्टेयरिंग काफ़ी बढ़िया दिया है उसका, और लीवर देखो उसका रेस वाला है वो भी काफ़ी लंबा कर दिया है, आसानी होगी देखने में। और आ जाओ मीटर में, ये ट्रैक्टर है 2250 आरपीएम रेटेड इंजन है इसका, बाकी 2250 आरपीएम रेटेड पे ये 40 एचपी प्रोड्यूस करेगा। और दूसरे मीटर दिए हैं इसमें, एक तो ऑयल प्रेस रख दिया है, वो तो देना ही चाहिए था कंपनी को, वो फुल ही देता है मैसी का। एक बैटरी चार्ज का दिया है और एक दिया है टेम्परेचर का, और नीचे कोने पर दिया है फ्यूल का। दूसरी कंपनी देती है 2500 तक, इन्होंने 3000 तक दिया, उनको पता कि हर फार्मर अपने रेस खोल ही देता ट्रैक्टर की,
जो के हिसाब से जिसको जितनी जरूरत है वो तो पीवीटी का भी 5-4 चक्कर का मार्क दिया है, और नीचे वो डिजिटल कर दिया है जिसमें कितने घंटे चलता है, क्योंकि वो मैसी का ख़राब हो जाता था, उन्होंने डिजिटल ही कर दिया, काम ही खत्म कर दिया। वो लाइटें भी दी हैं, वो चाबी ऑन पे वो पता लगेंगी, देख लेना मैसी का साइन दिया स्टेरिंग के ऊपर। अब आ जाओ गियर पे 10 फॉरवर्ड दी है और 2 रिवर्स दी है, जो 5 लो है इसमें से और 5 हाई है। ये मैसी ने इसलिए गियर उड़ाया क्योंकि मैसी की जो स्पीड थी वो हर गियर में डिफरेंस बहुत था, 4 गियरों में डिफरेंस कवर करने के लिए उन्होंने एक 5वां गियर कर दिया, और रिवर्स का भी बड़ी दिक्कत थी, और काफ़ी लीवर लंबे नहीं हैं, लीवर ना पैर को लगते हैं, कई लीवर जो नीचे गियर डालते हैं पैर को लगते हैं, काफ़ी मोटी ग्रिप दी है कि जो फार्मर है वो आराम से गियर डाल सके। और इसका जो दूसरे तीसरे की बड़ी गियर की स्पीड दिक्कत थी वो भी इम्प्रूवमेंट कर दी है, देखो ये हाई लग दिया है, काफ़ी नीचा नहीं दिया, सही दिया है, पैडल्स दिए हैं, सस्पेंडर तो नहीं, सिंपल पैडल्स दिए हैं, सही है ये पैर वाली रेस। लिफ्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें लिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट भी आती है, वो आप लगवा सकते हैं अलग से, अगर आप एजेंसी, वो सिर्फ स्मार्ट में लगेगा, स्मार्ट ट्रैक्टर में, आप आम ट्रैक्टर में लगवा सकते हैं, उसमें खर्चा आता है 15-20 हज़ार रुपया। और आज उसकी लिफ्ट कैपेसिटी में, इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है 2250 kg, और इसकी जो लिफ्ट है वो आम ट्रैक्टर जैसे स्वराज महिंद्रा की लिफ्ट है वैसे यूज़ करते हैं, दूसरी वाली नहीं है, जो गजराज में आती थी मैसी 5900 में और 2635 में बड़ी दिक्कत थी, 375 में वही थी, अब सिंपल कर दी है, हर कोई इसको चला सकता है, आम किसान भी चला सकता है, नहीं तो पहले समय में दिक्कत होती थी। इसमें लॉक सिस्टम ये एकदम नीचे करोगे लिफ्ट लॉक हो जाएगी। अब आ जाओ देखो सामने, देखो जी बस टेंकी के लिए दिया है तेल डालने के लिए, बढ़िया दिया यार, सही लग रहा है, फीलिंग आ रही ट्रैक्टर की पूरी। मेरे उठ दी कले जड़े अखियां नु पै गए तैनु वेख, सामने देख रहे हैं आप, सामने देख रहे हैं, ये दिया है आपको पावर स्टेशन का ऑयल स्टोर करने के लिए 1 लीटर, कई ट्रैक्टर गियर बॉक्स में होता है पर इसका अलग दिया है, और फ्यूज सामने दिए हैं, फ्यूज का आप साइड से उतार सकते हैं, सिंगल इसका पावर स्टेशन का जैक है वो सिंगल है मोटे रॉड का, कई में डबल था मैसी में, वो लीकेज थी उसकी रुकती नहीं थी, बड़ी प्रॉब्लम थी। अब आ जाओ उसके जो लिंकेज है, इसकी लिंकेज की मैं आपको बताऊँगा, इसमें लिंकों में बहुत बढ़िया चीज़ दी है, वो आपको नेक्स्ट में बताऊँगा, उसका बहुत यूज़फुल जाएगा, कोई जुगाड़ नहीं कर सकता आदमी। अब आ जाओ सामने ये हिस्सा है इसका पिछला, जो इसका पिछले हिस्से में देखो डिस्क ब्रेकर दी हैं, ये है टूल, इसका टूल में इसमें चाबियाँ हैं जो आप ट्रैक्टर की तो आपको साथ ही मिलेंगी, लिंकेज उसकी सेम ही है जैसे आम ट्रैक्टर की होती हैं, और ये है इसके PTO, ये है इसके गैलेक्सी गियर, और गैलेक्सी गियर की बात करता हूँ, ये ब्रेकों की, इसकी जो ब्रेकें हैं वो डिस्क ब्रेकें हैं, ध्यान से देखिए दोनों तरफ, और ऊपर दिया वो आप जैक वाली ट्राली यूज़ करते हैं उसको यूज़ करते हैं, वो कंपनी की तरफ से ही है, और ये लिंकेज जो टॉप लिंक आप यूज़ करते हैं अपने हिसाब से ऊपर नीचे लगा सकते हैं। अब आ जाओ उसके हुक के फ्रेम में, जो उसका हुक का फ्रेम दिया वो फ्लैट दिया, जो पहले था वो गोल था, उसमें हुक बड़ी कमज़ोर थी मैसे की, उसमें स्टड दी है 3 इधर 3 इधर, और आप नीचे एक प्लेट भी आती है, जो प्लेट भी अटैच है उसके लिए डबल प्रोटेक्शन देती है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा था कि मैसे ने हर चीज़ इंप्रूवमेंट कर दी है, उनको पता है हमारी कहाँ कहाँ कमियाँ थी, हम नए आ गए बंदे हैं नई के प्लांट में। अब आ जाओ इसके गैलेक्सी गियर, जो उसके गैलेक्सी गियर है वो है तो पूरे 9500 जैसे और गुजराज जैसे, पर इसमें चेंज है, 9500 वाला ये हिस्सा है, ये गुजराज वाला नहीं है, जो 2635 और 5900 और उससे ये फ़र्क है, वो आपको नेक्स्ट में बताऊंगा कि ये ट्रैक्टर दोनों में क्या फ़र्क है सेम पर दोनों में फ़र्क है कुछ, वो आपको बाद में बताऊंगा, वीडियो बड़ी लंबी जा रही है इसलिए मैं बता नहीं था। इसकी जो P2HP है वो 540 चक्कर में जो 1680 RPM है उसमें आपको P2HP मिलेगी 41 HP, जो लगभग आपकी बनती है 30.5 kW, जो ट्रैक्टर के हिसाब से सही है, पर ये ज़्यादा HP है क्योंकि मैं सी P2 में शुरू से बढ़िया रहा, क्योंकि मैंने 42 HP वाले ट्रैक्टर मैंने रीपर में चलते देखे हैं, हीट भी नहीं करते, दूसरे ट्रैक्टर हीट कर देते हैं 42 एज टू कम्पेयर टू अलग दूसरे ट्रैक्टर। और देखो सीट के पीछे इसमें बोतल के दिया है, और टॉपलिंग अटकाने के लिए वो एंगल दिया है, देखो बैक लाइट, उसके इंडिकेटर पर कवर देती थी पहले कंपनी, अब नहीं दे रही, अब सिंपल करती हैं सिंपल वजन से। अब आ जाओ उसके फ्रंट पे, जो उसका एयर क्लीनर दिया है हवा लेने वाला, वो अंदर दिया है कि जो मिट्टी वो ना जाए अंदर,
छोटा कर दिया है, और इसके जो हो रहे हैं वो साथ में दिया है, फ्रंट में बैंट्री दी है, थोड़ा वजन आ जाए, पर फार्मा अपने हिसाब से वेट लगा सकता है आगे। और ये उसके रेडिएटर में जो आप कूलेंट डालते हैं उसका लेवल चेक करने के लिए से दे दिया है, उससे देखना रेडिएटर में आपका हाथ नहीं चलेगा, गर्म ट्रैक्टर में आप बाहर से डाल सकते हैं पानी। और इसका रेडिएटर काफ़ी बढ़िया कर दिया है, खुला कर दिया है, जो उसके मैं देख रहा था जो उसकी शो है, शो के साइडों में उसकी जाय लगाई है। इसकी जो टैंक की कैपेसिटी दी है वो 47 लीटर की दी है, HP के हिसाब से सही है। अब देखो इसके इंजन, जो इंजन इसका 3 सिलेंडर है, इसके इंजन का नाम है T-30A Simpson 325.5 F31, जो 25 cc है, ऐसे सिप्सन हो गया 3 से 3 सिलेंडर हो गया, 25 से 25 cc हो गया, और F31 46 HP, इंजन वही है 243 वाला। वो पंप की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि कैसे HP चेंज करते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसके इंजन तो सारे काम है, वह मैसी सारे सिप्सन के इंजन यूज़ करता है, बहुत बढ़िया इंजन है मैसी के, लॉन्ग लाइफ है, जाते नहीं है अगर टाइम से सर्विस करो तो। इसका नोजल टैंक दिया है, इसके ऊपर देखो क्या क्या दिया, हवा गैस जो बनती है हम निकाल सकते हैं जब मर्जी, आपकी मर्जी है। अब आज जी देखो, ये जो मैसी बनाती है वो टैफे प्लांट बनाती है, ये चेन्नई में है, आजकल ये IMT बना रही है, आइसर का भी प्लांट ले लिया इसने महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। और देखो जी यहाँ लिखा है इसका पीटो की HP 30.5 जो बनती है, 41 HP लगभग बनती है। और इसकी साइड में लिखा है ये, हाँ मैं आपको बात बता दूँ, इसके जो 2250 RPM है उसकी फॉरवर्ड स्पीड उसमें 32.5 किलोमीटर है, जो सही है 32.5 किलोमीटर है। देखो जी 100 स्टिकर कितने शानदार लग रहे हैं, लॉन्ग लाइफ जाएंगे। मैसी के स्टिकर पहले ख़राब होते थे, अब देखो कितने टिकते हैं इसके स्टिकर हैं शो पे। और जैक दिए हैं अंदर, बढ़िया अपने आप छोड़ जाती है। देखो जी इसके जो फिल्टर थे डीजल वाले वो नीचे थे, अब साइड में कर दिए, रेडिएटर साइड में, अल्टरनेटर भी इधर साइड कर दिया, जो उसके पाइप है फुली रबड़ नहीं है, मतलब मजबूत कर दिए, और पाइप इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगे, लॉन्ग लाइफ होंगे, आधे स्टील के आधे। देखो फिल्टर देखो जी साइड में कर देंगे ऊपर, सही है। इसकी जो कीमत है वो आपको कमेंट में बताऊँगा, इसकी कीमत कितनी है, शोरूम के हिसाब से अलग है। देखो जी नीचे गुटके भी दिए हैं, यहाँ शो टिकती है। ये पिक मैंने प्राइम ट्रैक्टर्स वालों से ली है, सही बंदे हैं, उनका पेज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जब मर्जी। स्मार्ट की का फ़ायदा आपको अनलॉक और लॉक का फ़ायदा है, आप सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं ट्रैक्टर की। इसको लॉक करेंगे तो कोई भी चाबी लगाएं, चाहे ट्रैक्टर के साथ की लगाएं तब भी ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा, अनलॉक करेंगे तो आप चाबी ट्रैक्टर के साथ की चाबी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और नीचे आज जो स्टार बनाया, स्टार से आप लाइट जगा सकते हैं वायरलेस, कोई ज़रूरत नहीं चाबी की, आप अपना ट्रैक्टर पता कर सकते हैं कहाँ। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।